मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बस स्टैंड ऑडिटोरियम में नन्हे मुन्ने बच्चों को कुपोषण जैसी बीमारी से उबारने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर अभि प्रसाद मुख्य रूप से शामिल हुए और कार्यशाला के दौरान उन्होंने लगभग 1000 बच्चों को पोषक तत्वों से भरी सामग्री का वितरण किया। वहीं आयोजित कार्यशाला में महिला बाल विकास विभाग अधिकारी नयन सिंह ने समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में दर्ज कुपोषित बच्चों के परिवार को कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि जिले में 154 गंभीर रूप से कुपोषित और 876 मध्यम कुपोषित बच्चे हैं, जिन्हें सुपोषण कार्यक्रम के तहत पूर्ण रूप से सुपोषित बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के तहत ये कार्यक्रम जिले के सभी ब्लॉक तहसील में आयोजित किए जा रहे हैं। कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुपोषण शिविर का आयोजन जिले के सभी विकासखंड और जिला स्तर पे आयोजित किए गए हैं। हमारे आज की स्थिति में 154 गंभीर कुपोषित और 867 मध्यम कुपोषित, कुल 1021 बच्चे दर्ज हैं। इन बच्चों को जन सहयोग से मुख्य रूप से हमारे RSS के जो सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा गोद लिया जा रहा है। आज एक प्रयास हम कर रहे हैं कि जिले में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उन सभी बच्चों को हम गोद ले रहे हैं, और गोद लेने का आशय ये है कि इन परिवारों को हम अतिरिक्त पोषण आहार देंगे, जिसका उपयोग परिवार बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण भोजन देने के लिए करेंगे, जिससे कि जो है कुपोषण से बच्चे मुक्त हो सकेंगे। और इस समय जिले के हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस प्रकार 1021 बच्चे आज कटनी में जो है गोद लिए गए हैं, और 1021 ही हमारी कुल संख्या है। मैं लघु उद्योग भारती महिला इकाई से अध्यक्ष प्रिया सोनी, आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने ये सेवा भारती का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कुपोषण बच्चों को मैंने भी इस बच्ची को लिया हुआ है गोद, और जैसा कि किट वितरण हो रहा है तो किट भी मैंने वितरित की है। और मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी कि बच्चे को खाली गोद लेना ही एक बड़ा काम नहीं है। आज मैंने इस बच्चे की जवाबदारी ली है, तो जब तक मैं इसको कुपोषण से सुपोषण नहीं कर दूंगी।